नमस्कार, मैं शिवानी दुबे हाजिर हूँ फिर एक बार आप सबके सामने। क्राइम रेट इस हद तक बढ़ चुका है कि लोग इसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। आपको बता दें, कासीमेरा की पुलिस ने एक बहुत ही सराहनीय काम किया है। उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को धर दबोचा है जिसके पास से एक धारदार तलवार तथा 10 ग्राम के 8 गांजे के पैकेट और नशीली औषधियां बरामद हुई हैं। पुलिस के अनुसार बताया जा रहा है कि यह व्यक्ति इन सभी चीजों को बेचने के फिराक में आया हुआ था, तभी पुलिस ने इसे धर दबोचा। तो आइए देखते हैं इस मामले में पूर्ण जानकारी क्या है। कासीमेरा पुलिस स्टेशन ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिसके पास से एक धारदार तलवार, 10 ग्राम के 8 गांजा पैकेट तथा प्रतिबंधित मैक्सॉफ सिरप बरामद हुई है। दरअसल आपको बता दें कि कासीमेरा पुलिस स्टेशन के सहायक पुलिस निरीक्षक महेंद्र भामरे को मुखबिरों द्वारा मिली जानकारी के अनुसार पता लगा कि एक शख्स कासीमेरा के नाके पर काली रंग की स्विफ्ट डिजायर में धारदार तलवार, 10 ग्राम के 8 गांजे के पैकेट तथा 5 मैक्सफॉक्स बोतल नामक प्रतिबंधित सिरप बेचने आया है। वहीं पुलिस ने छापा मारकर मजहर रशीद शेख नामक इस व्यक्ति को हिरासत में लिया। अब पुलिस पूछताछ कर पता लगा रही है कि असल में यह सामान कहां से आया है और किसे बेचा जाएगा। क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज से एक रिपोर्ट।